नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है आपका. फर्स्ट ये है सर, आई हैव बीएससी ऑनर केमिस्ट्री सब्जेक्ट आर केमिस्ट्री लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री विच आई हैव स्टडी 3 ईयर. माई कॉम्बिनेशन कैन यू प्लीज हेल्प मी. बीएससी केमिस्ट्री आपका ये ऑनर है साइंस. अगर आपने फिजिकल साइंस आपका साथ है तो आपने यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट नहीं बताए, लेकिन हो सकता है आपके अगर दो साइंसेज आपकी बनती हैं, अदरवाइज आपकी फिजिकल साइंस तो पक्का बन रही है, साइंस आपकी बनती होगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है आपका साइंस और फिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं. मेरे ख्याल में साइंस का अगर बन रहा होगा तो फिजिकल का नहीं बनेगा. आपको लैंग्वेज लेनी होगी, आपको रिपीट करना होगा ये क्वेश्चन दोबारा, मैं एक बार कंफर्म करके, क्योंकि ये जो प्रॉस्पेक्ट है उसमें शामिल नहीं है आपका साइंस. ये प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कौन से बनते हैं, साइंस इंग्लिश बन सकता है, साइंस पंजाबी बन सकता है, अगर आपने ये जनरल जनरल पढ़े हुए हैं. अदरवाइज साइंस के साथ आपका फिजिकल साइंस बेस्ट रहेगा अगर मिल जाता है तो. साइंस मिलता है तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो, फिजिकल साइंस लेते हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन वो तभी होगे अगर पीजी इन केमिस्ट्री या फिजिकल साइंस किसी में भी कर लेते हो. आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या नहीं है ये आपने नहीं बताया, दैट इज़ वाई मेरे पास पार्शियल नॉलेज है. सिर्फ ये सब्जेक्ट के बेस पर मैं पूरा गाइड नहीं कर सकता. हाँ, अगर देखना है साइंस का यहाँ पर ऑनर्स ये है आपका टीचिंग फॉर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस केमिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर इन फिजिकल साइंस है. यहाँ पर ऑनर इन लाइफ साइंस अगर है तो आपको लाइफ साइंस मिलेगा. ऑनर का सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया. आपको साइंस दिखाई नहीं देती, आपको फिजिकल साइंस दिखाई दे रही है यहाँ पर. ये वैलिड प्रूफ है. इसके आगे भी एक देख लेते हैं कौन सा ऑनर है आ रहा. द कैंडिडेट्स हैविंग ऑनर कोर्स शैल ऑप्ट फॉर मेजर सब्जेक्ट इन विच दे हैव ऑब्टेंड ऑनर्स, माइनर सब्जेक्ट शुड बी स्टडीड एट लीस्ट फॉर 1 ईयर. सो ये आपकी गाइडलाइन के लिए काफ़ी है. आपका फिजिकल साइंस ही मेन बन रहा है, फिर भी कॉलेज शायद, क्योंकि कॉलेज लेवल पर ही ये इन्फॉर्मेशन रहती है. वेरिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज की है, दैट इज़ वाई वो आपको साइंस दे भी सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा. आपको बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए एमएससी या फिर एडिशनल जो है वो करना पड़ेगा. ये मेरे रिस्पॉन्स को फाइनल मत समझिए, ये क्लैरिटी एक बार मैं कर लूँगा, मैंने नोट कर लिया है. द माइनर सब्जेक्ट ओके हो गया. तो ये हैं ऑनर के. ये कोई और केस है, ये और नहीं है, ऑनर लैंग्वेज है. वापस चलते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है राजविंदर सिंह जी. सर आप जी द आप मेरे पेपर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है. ये रहा क्वेश्चन. सर अगर असी बीएड विच फिजिकल साइंस नहीं चूज कर दे, फिजिकल साइंस नहीं चूज कर दे, बट असी बीएससी कंप्यूटर विद सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश पंजाबी कंप्यूटर साइंस कीती है, ता एमएससी फिजिक्स करन तो बाद पीजीटी फिजिक्स लिए एलिजिबल हो जावांगे. हाँ यस, हो जाओगे. आप तुसी कीती है विद सब्जेक्ट फिजिक्स है ना, तुसी फिजिक्स दे नाल तुसी टीचिंग ऑफ फिजिक्स ले ली, टीचिंग ऑफ फिजिक्स लैन तो बाद तुसी एमएससी फिजिक्स कर ली, ये एमएससी. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है. फिर तुसी पीजीटी लिए एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल साइंस लिए. ओके, अदरवाइज थोड़ा जे ए ने तो टीजीटी लिए थोड़ा बेस्ट कॉम्बीनेशन बन रहा है मैथ्स. ओके, मैथ्स से फिजिकल साइंस प्रेफर करो. मेरे ख्याल ये इंग्लिश थोड़ी जनरल होएगी, पंजाबी जनरल होएगी, कंप्यूटर साइंस तुसी नहीं शायद प्रेफर कर रहे, साइंस नू कर रहे हैं, मैथ्स नू ही प्रेफर करो, नाल फिजिकल साइंस ले सकते हो. ठीक है, गुड. नेक्स्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस पंजाबी इलेक्टिव फिजिकल एजुकेशन. तुसी ना यूनिवर्सिटी नहीं दस दे, यूनिवर्सिटी भी दसो. सर मैंने एडिशनल एग्जाम देना पैना है, एडिशनल एग्जाम देना चाहिदा है, प्लीज़ रिप्लाई टू माय क्वेश्चन. ओके, मैं रिप्लाई करन लगा. नंबर 1 2 3 4 ये हो गया पॉलिटिकल साइंस.
मैडम आपने ये नहीं बताया कि जीएनडीयू है, अगर जीएनडीयू है तो आपको पॉलिटिकल साइंस ही मेजर लेना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल साइंस मेजर हो गया और उसके साथ माइनर इलेक्टिव पंजाबी ये होगा, ये माइनर हो गया माइनर, ठीक है इसको नहीं छोड़ना, माइनर यही रहेगा। दूसरा गुरु नानक में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, फिजिकल एजुकेशन मेजर, ओके मतलब एक बन गया आपका ये पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी, दूसरा बन गया फिजिकल एजुकेशन एंड पंजाबी। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हैं तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको एसएसटी मिल जाएगा, एसएसटी के साथ पंजाबी ले लीजिए, दे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आपकी जो दौड़ इस तरफ ज़्यादा है, नॉलेज इस तरफ ज़्यादा है, तो आप इसको फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो, अदरवाइज पंजाबी को प्रेफर करना, जॉब इसकी ज़्यादा निकलती है इसलिए। दूसरी बात है कि आपको एसएसटी के लिए हिस्ट्री का ही देना है, मैंने गाइड कर दिया यही, हिस्ट्री का बीए का एडिशनल देना है साथ में अगर आप एसएसटी इन यूनिवर्सिटी में लेते हो तो। नेक्स्ट चलते हैं बीएससी, हाँ ये बन गया है वीडियो, नीचे लिंक दिया होगा देख लेना। सर बीए विच मेरे कोल इलेक्टिव इंग्लिश सोशियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन है, बिल्कुल जो पिछली गाइडलाइन है पिछले वीडियो में दी वही रहेगी आपकी, इलेक्टिव इंग्लिश है, आप इसको नहीं छोड़ना, ये माइनर है ना, माइनर इंग्लिश इसको नहीं छोड़ना, इसके लिए आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो, एमए की है पता नहीं, माय मास्टर इन सोशियोलॉजी, ये बात मैं पहले में कर चुका हूँ। तो सोशियोलॉजी सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, लेकिन सोशियोलॉजी के बेस पर आपको एसएसटी भी मिल जाएगा, एडिशनल सब्जेक्ट बीए का करना पड़ेगा, हिस्ट्री ही करना वो, ठीक ये हो गया अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है। दूसरा आपका बनता है फिजिकल एजुकेशन के साथ पंजाबी, सॉरी इंग्लिश, माइनर मेजर माइनर, तो ये हो गया मेजर और माइनर, ये आपकी बन गई गाइडेंस। आगे चलते हैं सर बीएससी ऑनर्स दे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बारे भी दस दो थोड़ा प्लीज़। बीएससी ऑनर दे सब्जेक्ट ले हाँ हूने इतने गल करके आए हाँ, बीएससी ऑनर एरिया ऑनर बीएससी और ये बीएससी केडी ऑनर है ना कैंडिडेट, ये हो गया ये हो गया, हाँ ऑनर दे लई जे फिजिकल साइंस ऑनर है तो तुहानू टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस मिलेगा, जे ऑनर इन लाइफ साइंस है तो वह लाइफ साइंस मिलेगा। इस तो अलावा एक होर इंस्ट्रक्शन है जिहड़ी देख लेनी चाहीदी है, आएगी तो देखांगे, द कैंडिडेट हैविंग ऑनर कोर्स विल ऑप्ट मेजर सब्जेक्ट इन विच दे हैव ऑबटेन्ड ऑनर्स, नैचुरली साइंस ही मिलेगा वो, फिजिकल साइंस या केड़ी भी साइंस है, माइनर सब्जेक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन ईयर जिहड़ा पढ़िया है उहदे विचों दिता जाएगा। वापस चलते हाँ फिर रिपीट हो रही ने गल इदा पता नहीं क्यों कर दे तुशी। सर एग्जाम च मार्क्स बहुत घट आए एडमिशन होगी, बहुत घट कोई शब्द नहीं है ये तुसी अनिश्चय वाचक वर्त लिया है ना, दसो किन्ने है, कैटेगरी की है, सब्जेक्ट की है, 100% एडमिशन मिलेगी तुम्हें पक्की गल है, कितने मिलेगी ये वेरी करता है। सर मैं ग्रेजुएशन जो बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैनू साइंस एंड लैंग्वेज मिल रही है, मैं साइंस ते लाइफ साइंस च कन्फ्यूज़ हाँ। देखो केमिस्ट्री पढ़ी है ते बायो पढ़ी है तुसी, तुहानू क्योंकि दो साइंस सब्जेक्ट पढ़े होंगे तां साइंस बनता है, तो तुहाडा मेरे ख्याल बनेगा ही नहीं, लाइफ साइंस दिंदा है कोई कॉलेज ठीक है, पर हाँ तुहानू लाइफ साइंस लिए फिर बायो दी एमएससी करनी पेगी, अदरवाइज तुहाडा लैंग्वेज बन रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश या पंजाबी बन सकता है, है ना पंजाबी, लेकिन तुहानू ये एडिशनल पेपर देने पैणगे बीएड दे नाल भी दे सकते हो, एडिशनल वाली मूवी नीचे लिंक दिता होएगा वो देख सकते हो। नैक्सट है कन्फ्यूजन है जहाँ तक ये दसो कि कोई कॉलेज तुहानू दे रहा है, मैं लिख लेना है कि बायो केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स नहीं पढ़ी, पर प्लस वन टू आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन फाइन आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस रखी सी, बीए विच इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी इलेक्टिव इंग्लिश पंजाबी
रखी सी, मी एम ए इंग्लिश की हुई है, अडिशनल सबजैक्ट तो नहीं लेना पेगा, मेजर तो माइनर सबजैक्ट चूज करा। हाँ तुम ये किया है बी एच इकनोमिक्स सोशियोलॉजी, इकनोमिक्स स्कूल सबजैक्ट है, एस एस टी तुम लो मेजर सबजैक्ट, ए मैं मेजर लिख दिता है, और तुम टी जी टी डायरैक्ट एलीजिबल हो, कोई अडिशनल इतने देना नहीं पै रहा। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश तो टी जी टी एलीजिबल हो सीधे, ओके माइनर सबजैक्ट है मेजर है कोई फर्क नहीं पैंदा, ये तुम गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, कोई भी देना नहीं पेगा। सो तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन एस एस टी इंग्लिश ही है, इसनों छेड़ना नहीं है, कॉलेज बेशक छेड़ना पै जाए लेकिन इसनों नहीं छेड़ना, अडिशनल सबजैक्ट नहीं लेना देना पेगा। सर मैं जे बी ए च कोई ए वी इलैक्टिव लैंगुएज सबजैक्ट ना किया हो, पोलिटिकल हिस्ट्री इकनोमिक्स राजे इलैक्टिव ही ने, ये वाले इलैक्टिव इना ये भी इलैक्टिव ने, ओके पोलीटिकल सारिया सोशल सैंसिज पढ़िया तुम एस एस टी ही बनता है तुहाडा, और दूसरा तुहानू लेना ही पैना है कंबीनेशन सी सी ए नहीं पता लगा, इंग्लिश एस एस टी होवे कीता जावे, कहने हैं बी एड जे कॉम्बीनेशन इंग्लिश एंड एस एस टी होवे तां की कीता जावे। सर प्लीज़ रिप्लाई क्वेश्चन नहीं राजे, अब थोड़ा समझ आया। सर बी ए च कोई भी इलैक्टिव नहीं है, हाँ तुसी हुन्ने एस एस टी दे नाल इंग्लिश कर ली है, हुन तुसी अडिशनल करना है बी ए दा कदा इंग्लिश दा, यह करना है, उस तो बाद तुसी उहदे लई एलीजिबल हो टीचिंग ऑफ इंग्लिश लई, दैट्स ऑल। सर मैं बी ए विच हिस्ट्री पोलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है एस एस टी इंग्लिश है। सर अगर मैं सिर्फ एस एस टी टीचर बनना होवे तो लैंग्वेज का अडिशनल पेपर देन की कोई जरूरत तो नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। जे तुसी सिर्फ पोलिटिकल साइंस ते सोशियोलॉजी दे बेस ते एस एस सी बन रहे हो और टी जी टी बन रहे हो और गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, लैंग्वेज नहीं जाना, वेरी क्लीयर, शाबाश, जिंदगी इस तरह रहना है, जरूरत नहीं है, नहीं फिर कोई अडिशनल की जरूरत नहीं है, तुहाडे को सिर्फ एस एस टी है, एस एस टी तुसी फाइट करना है, उसकी तैयारी करनी है, ये बैटर अप्रोच भी है, वो तो एलीजिबिलिटी चलो बन रही है ठीक है, अदरवाइज ये बैटर अप्रोच है। तुसी पूरे सब्जेक्ट दसते तुहानू मैं होर गाइड करदा, तुहाडा अच्छा हिस्ट्री भी पढ़िया होया है, यस एस एस टी है ठीक है, कोई अडिशनल देने की फिर लोड़ नहीं है। नैक्सट है सर चॉइस फिलिंग ते पोर्टल की कल ओपन हो रहा है, बट पोर्टल हो गया है, शुरू हो गया है। हैलो जी मैं असी ओनली साइंस टी जी टी लिए एलीजिबल होना होवे तां साडा सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन ओनली साइंस ते लैंग्वेज दा ठीक है, विदाउट एम एस सी तो बिल्कुल ठीक है जी। हाँ तुसी ओनली साइंस लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, साइंस ते लैंग्वेज मान लो इंग्लिश ले लिया है, जे इंग्लिश वगैरह तुसी ले ली है जनरल पढ़ी हुई है तो अडिशनल देना पेगा बी ए दा ना इंग्लिश दा जा पंजाबी दा जे पंजाबी रखी है, ओके। नैक्सट है सर मेजर साइंस या लाइफ साइंस, हाँ टी जी टी है, प्रैफर करो मेजर साइंस नू क्योंकि इहदियां पोस्टां ज़्यादा निकल दियां हन, लाइफ साइंस पी जी टी है वो भी 2 साल प्लस लगनगे, तुहाडी लाइफ साइंस दी पी जी होएगी पी जी तो बाद, सो मेजर करो प्रैफर साइंस, तो साइंस लैके उत्थे भी लाइफ साइंस का मूड बनता है, कॉलेज तुहाडे को टाइम हुंदा है 8 दिन 10 दिन काफ़ी दिन मिल जाते हैं कि सैकेंड सबजैक्ट अपना चूज़ कर लो, उत्थे जाके भी तुसी चूज़ कर सकते हो, उदों भी मेरे नाल गल कर सकते हो। सर ग्रैजुएशन सर ग्रैजुएशन पी यू चंडीगढ़ है, ग्रैजुएशन विच हिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन ते म्यूजिक वोकल सी, तो बी एड लई कंबीनेशन दस दो, मेरे ख्याल मैं पहला भी डिस्कस कर चुका हाँ, तुहाडा केड़ी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, सो तुसी हिस्ट्री दे बेस ते एस एस टी लै सकते हो लेकिन अडिशनल देना पेगा तुहानू, पोलीटिकल साइंस का दे दो बैटर है, इकनोमिक्स जोग्राफी इन्हां चों भी कुछ दे सकते हो फिर एस एस टी लै सकते हो ठीक है। एस एस टी दे नाल म्यूजिक नहीं मिलेगा, एस एस टी दे नाल कंप्यूटर नहीं मिलेगा, ये तुहाडा औखा बनेगा, एस एस टी दे नाल कंप्यूटर ते एस एस टी दे नाल म्यूजिक, एस एस टी दे नाल कंप्यूटर भी नहीं है म्यूजिक भी नहीं है, ये देख रहे हैं असी एस एस टी दे नाल ना कंप्यूटर है ना म्यूजिक है, म्यूजिक दे नाल लैंग्वेज है, एक तुहाडा ए बैटर बन रहा है म्यूजिक नाल लैंग्वेज, दूसरा है कंप्यूटर नाल लैंग्वेज, ये बन रहा है तुहाडा
तीसरा म्यूजिक ये नहीं है, ये थोड़े बेस्ट कॉम्बीनेशन म्यूजिक ते कंप्यूटर इसका मतलब बन रहे हैं, बन रहा है। जेकर तुसी एसएसटी नू प्रेफर नहीं कर रहे, कंप्यूटर एप्लीकेशन ते लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश या पंजाबी, दूसरा म्यूजिक मेजर ते लैंग्वेज, ये बेस्ट बन रहे हैं। जे तुसी इधर जा रहे हो हिस्ट्री दे नाल, फिर भी थोड़ा लैंग्वेज ही बन रहा है, हिस्ट्री दे नाल भी लैंग्वेज लै सकते हो। जे पंजाबी यूनिवर्सिटी ते चंडीगढ़ च हो एसएसटी दे नाल भी लैंग्वेज लै सकते हो। थोड़ा कंपलैक्स केस है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, दोबारा तो पूछ सकते हो। सर जिन्होंने बीएससी ऑनर की कमिस्ट्री या फिजिक्स की है उन्होंने बारे दस दौ।